एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में क्लास 6 चैप्टर 7 अशोक एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 हिस्ट्री। इस चैप्टर के अंतर्गत हमको अशोक के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, अशोक के धम्म की नीतियों के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में और परवर्ती सम्राटों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखें और इसके फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए और समझने के लिए दोनों तरीकों में हम एनसीईआरटी के इस चैप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैप्टर का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ में स्थापित किया गया था। सारनाथ का ही अशोक स्तंभ है जो हमें दिखाई देता है नोट पर, जिसका चिन्ह बना होता है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। इनसे हमको चार फैक्ट, पांच फैक्ट पता चलते हैं। पहली चीज, अशोक जो थे वो किनके वंशज थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। और मौर्य वंश की स्थापना लगभग कितने सौ साल पहले हुई थी, तो 2300 साल पहले हुई थी। और चंद्रगुप्त जो चाणक्य थे वो कौन थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इनका एक दूसरा नाम कौटिल्य भी था और ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो इन्होंने लिखी है चाणक्य कौटिल्य ने, तो उसमें हमको जानकारी मिलती है। तो चार फैक्ट में यहाँ से पता चलते हैं कि चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना जो शासन है, अपना जो राज्य है, उसको इस्टेब्लिश करने में मदद किसने की थी, तो चाणक्य ने की थी। अशोक किसका वंशज था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था। ये चीज़ें हमें यहाँ से जानने के लिए मिलती हैं। वंश का तात्पर्य है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो चंद्रगुप्त सबसे पहले, फिर उसके बाद में बिंदुसार के बाद में कौन, तो अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में भी, ये मानचित्र है, वो मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे स्थलों को एक बार तो जरूर मार्क कर दूं। इनमें से साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तो साम्राज्य की दो तीन राजधानियाँ थी जिसमें से समय समय पर उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र, ये तीन राजधानियाँ थी जो समय समय पर रही हैं। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत के जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो राजधानियां बनाने का देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस हिसाब से था कि जो व्यापारिक मार्ग हैं उन पर नियंत्रण कायम रखा जा सके। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से इस मैप में दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन क्षेत्रों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले, ये भी हम इस मैप में देखेंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते थे। यहाँ पर एक मानचित्र दिखाया गया है, इस मानचित्र को कम्प्लीट एक बार देखने की कोशिश करते हैं, इससे शायद काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी हमें समझने में। मौर्य युग में उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, तो यहाँ पर जो लाल कलर के पॉइंट दिखाए गए हैं यहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। देखिए बाहरी सबसे अगर हम स्थान की बात करें तो दो हैं, कंधार और लंपक, ये कौन से स्थल हैं। इसके अलावा मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, ये सारे, ये जो चार स्थल हैं ये वर्तमान में भारत से बाहर हैं। और कंधार वो सबसे ज़्यादा हमारा पश्चिमी इलाका है जहाँ पर हमारे लिए अशोक के जो अभिलेख हैं वो वहाँ से मिले हुए हैं। इसके अलावा कालसी, टोपरा, मेरठ और इसके अलावा बहापुर जो दिल्ली में, इसके अलावा लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, सारनाथ, कौसाम्बी, इलाहाबाद, गुज्जर, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, सोपारा, सन्नती, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरागुडी, कलिंग, धौली, इतने जगहों से, इतने स्थानों से अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अशोक का शासन कितना विस्तृत था और कितने ज़्यादा अभिलेख मिले हुए हैं। और इन अभिलेखों में जिन चीज़ों को मार्क किया गया है, जिन चीज़ों को पॉइंट किया गया,
वो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बारे में जो जानकारी हमें इस चैप्टर से मिल सकती है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होते थे? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसीलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती थी। साम्राज्य का प्रशासन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, आप जानते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि उस इलाके के गांव या शहर किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदर्शों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर क्या करता था, नियंत्रण करता था। तो ये इनके साम्राज्य का जो प्रशासन था, अगर हम प्रशासन में बात करें तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो प्रांतीय राजधानियां कौन कौन सी थी? दो थी, तक्षशिला और उज्जैन। और जो इनकी कुछ हद तक जो पाटलिपुत्र क्षेत्रों पर नियंत्रण थे, जो प्रांतीय राजधानियां थी तक्षशिला और उज्जैन, इसके अलावा मुख्य राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो दो राजधानियों के बारे में हमें यहाँ से जानने को मिलता है। वहीं पर जो राज्यपाल होते थे, गवर्नर होते थे, तो जो राजकुमार होते थे उनको राज्यपाल या गवर्नर बना करके वहाँ पर शासन का नियंत्रण करने के लिए भेजा जाता था। प्रादेशिक केंद्रों पर विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक जो थे सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि आवागमन से ही उन्हें क्या करना होता था, कर एकत्रित करना होता था। नजराना शब्द एक शब्द का उपयोग हुआ, उसका अर्थ देख लेते। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में लोगों से लिए जाते थे जो वे स्वेच्छा से देते थे। तो नजराना जो था वो क्या था, वो अनियमित टाइप का कर था, और जब होता था जैसे भी बन पड़ता था तो ये कर यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। इसके बाद में कलिंग का जो एक युद्ध है वो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसके बाद उसका जो हृदय परिवर्तन हो गया ऐसा कहा जाता है, और उसके बाद में अशोक ने क्या किया, पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को अपना लिया। और कलिंग जो है ये तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देख करके उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का जो धम्म है वो क्या है, ये जानना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस का भी टॉपिक है और पीटी में भी हमारी समझ बढ़ाने के लिए काम कर सकता है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे से व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो ये जो अशोक का था, तो अशोक की ये सोच थी कि वो एक आदर्श राजा के रूप में काम कार्य करना चाहते थे और अपनी जो प्रजा का रंजन करना चाहते थे। ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आरंभिक ब्राह्मी, फिर देवनागरी, हिंदी, बांग्ला, मलयालम और तमिल भाषाओं के जो एग्जाम्पल्स हैं आ सबसे दिए गए। तो ज़्यादातर जो भाषाएं हैं वो सब सारी के सारी जो कौन सी लिपि से स्टार्ट हुए हैं, तो उनकी जो मूल लिपि है वह लिपि क्या है, ब्राह्मी। अब अन्यत्र उस समय मौर्य साम्राज्य के साथ में क्या हो रहा था, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखिए जिस समय मौर्य साम्राज्य उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। तो जिस समय मौर्य साम्राज्य इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, उसी दौरान उसे थोड़े समय पहले से ही चीन के अंदर क्या हुआ था, जो चीन की दीवार है, महान दीवार चीन की है, वहाँ पर उस दीवार का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई, यहाँ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पता चलता है, तो लगभग 2300 साल पहले। और चीन की दीवार का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, तो लगभग 2400 साल पहले। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर रेशम मार्ग, कुछ महत्वपूर्ण रेशम मार्ग दिखाए गए। देखिए तो जो चीनी शासकों के नियंत्रण में थे वो रेड लाइन से दिखाए गए हैं।
ग्रीन लाइन से वो मार्ग दिखाए गए हैं जो कुषाणों के नियंत्रण में थे। तो इस तरीके से ये जो रेशम मार्ग थे, चूँकि व्यापारिक मार्गों से कर चुंगी वसूल की जाती थी, कर वसूल किए जाते थे, इसलिए व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण जितना ज़्यादा होता था वो राजा उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। अगर हम आगे की बात करें, यहाँ से भी तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा। देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है कि जब मौर्य वंश का शासन खत्म हुआ तो उसके बाद करीब 100 साल तक किसका शासन रहा, तो हिंद यमन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत में शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। तो देखिए, पहले मौर्य वंश, फिर उसके बाद में हिंद यमन शासकों का रहा, उसके बाद में शकों का मध्य एशियाई जो लोग थे उनका कुछ दिनों तक शासन रहा यहाँ पर। इनमें से कुछ राज लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जबकि शक शासकों को गुप्त शासकों ने जब तक गुप्त शासकों ने शकों को पराजित नहीं कर दिया। तो उसके बाद में शकों को पराजित करके फिर कौन आया, तो गुप्त आ गए। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, इसके बारे में हम अध्याय 9 में आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगी। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कंड और कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मौर्य के बाद में हिंद यवन शासक हमें देखने को मिलते हैं, हिंद यवन शासकों के साथ ही साथ बाद में हमें शक शासक देखने को मिलते हैं, कुषाण हमें देखने को मिलते हैं, शुंग वंश हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद में 1700 साल पहले फिर गुप्त वंश की स्थापना होती है। यहाँ पे एक हिंद यवन सिक्का देखिए ये दिखाया गया है, हिंद यवन सिक्का, और यहाँ पर एक कुषाण सिक्का भी दिखाया गया है। इनके बारे में हमें आगे चैप्टर में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। पश्चिम भारत, मध्य भारत में शासन कर रहे सातवाहन शासकों, देखिए इसी समय में क्या सिचुएशन थी कि यहाँ पे पश्चिमी भारत जो था हमारा और जो मध्य भारत है, यहाँ पर कौन शासन कर रहा था, तो यहाँ पर सातवाहन शासक शासन कर रहे थे। इनके साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 वर्षों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश स्थापित हुआ। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही डेवलपमेंट हुआ, सातवाहन राज्य था, सातवाहन राज्य के बाद में कौन आया, तो वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच में चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। तो उसी समय वहाँ की अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर चोल, चेर और पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों, चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना। उसके बाद में जैसे जैसे परवर्ती सम्राटों की अगर हम बात करें, तो जैसे ही वहाँ पे इधर गुप्त वंश जब आरंभ हुआ तो वहाँ पर पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हो गई, और जो चोल, चेर और पांड्य थे वो कमज़ोर हो गए या एकदम लुप्त हो गए। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ अनेक ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये थे कुछ साथ ही साथ परवर्ती सम्राट, और अगले चैप्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे एक शक सिक्का भी दिखाया गया, एक सातवाहन सिक्का दिखाया गया। इनके बारे में आगे के चैप्टर्स में, और खासतौर से जब हम क्लास 7 की NCERT का स्टार्ट करेंगे, वहाँ से और ज़्यादा जानकारी मिलेगी।